चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आप देख रहे हैं कि फसलों का नुकसान आपकी बाग-बाग हो गया, पूरा खाता खेत तबाह हो गया। ट्रैक्टर आपका 10 साल पुराना ट्रैक्टर चल ही नहीं सकता, कागजों में कैंसिल कर दिए हुए, खेत बहुत स्पीड से खत्म हो रहे, व्यापारी पूरा पैसा जमीन में लगा रहा, ये झगड़े करवाते हैं 13 से 23, क्योंकि शांत सा होगा था मामला। तो फिर कहने लगे जी आओ जी वहां पे, यहां से तो कोई आना नहीं, यहां तो तजर्बा ले लिया, ज्ञान प्राप्त हो गया, यहां तो लड़ेगा ही नहीं कोई भी। अध्यक्ष जी समस्त खाप के चौधरी हमारी बहने और अलग अलग जिलों से ये सभी संगठन के लोग पदाधिकारी, और आज ये है कि बहुत पुराने पुराने लोग काफी दूर से यहां पे आए हैं। एक विचार और है, कुछ लोगों से सलाह हुई, क्योंकि हम भी पूरे महीने बाहर प्रोग्रामों में रहते हैं, तो लोगों को रात की रुकने की भी व्यवस्था हो जाए, तो 16 तारीख को हम आ जाए, तो जिन लोगों को 16 तारीख में आना वो 16 में भी आ जाए, 17 में फिर प्रोग्राम रहे और 18 में फिर जिसको जाना, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं वे जो सिसौली में रुकने की एक परंपरा थी वो भी धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी, तो 2-3 दिन यहाँ पे बैठ जाएंगे तो सबको रहेगा कि कोई ना कोई वहां मिलेंगे, बाहर के प्रोग्राम ना दें 3 दिन, तो चो साहब रहे हम रहे, हम ये रहे कि हम 16 तारीख में आ जाए यहाँ पे सुबह, तो 16 तारीख में रहे, 17 में रहे और यहाँ से फिर 18 में जाए या 17 में रात को चले जाए, क्योंकि जैसे आज अलीगढ़ वालों का काम था भाई कहाँ मिलेंगे, हम नहीं टाइम दे पाते, मुरादाबाद के लोग आने कहाँ उनको टाइम दे, तो एक निश्चित हो जाएगा भाई 3 दिन वहां पे रहेंगे, वहां पे मिलेंगे, क्योंकि पूरे देश भर में प्रोग्राम होंगे। हालात तो बहुत खतरनाक है, सरकार की जो पॉलिसी है बेहद ज्यादा खतरनाक है। एक रिपोर्ट आई आज, उसमें वो खुलासा हुआ, वो दस्तावेज लीक हो गए इनसे, इनका यह है कि बड़ी जोत हो, बड़े बड़े फार्म बने और उसमें लोग फिर मजदूरी कर ले और अपना दूसरा धंधा करें, ये जो छोटे किसान अपना काम कर रहे ये खत्म हो, ये सरकारों की कुछ पॉलिसी थी, वो एक रिपोर्ट आज आई है और दस्तावेज है, वो हाथ लगा। आप देख रहे हैं कि फसलों का नुकसान अब की बात बाप हो, पूरा खाता खेत तबाह हो गया, लेकिन जैसे अधिकारी बिल्कुल कुछ उनके लिए कुछ हुआ ही ना हो, पूरा पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार, मतलब अभी खतर में गए तो गन्ने जैसी जो मोटी फसल थी, घास था वो खत्म हो गया, हमारी ये नदियां थी 30-30 साल पहले पानी, 40-40 साल पहले आया और जहां को पानी चला गया तो ईख भी खत्म हो गया, मुआवजे का कोई मतलब है नहीं, सर्वे हो नहीं रहे, गिरदावरी वो नहीं हुई, तो आंदोलन ही एक रास्ता है इसका, अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। और मजबूत टिकट साहब का फॉर्मूला था कि गांव का धन गांव में, बगैर धन के भी कुछ नहीं चलता, ये अलीगढ़ वाले हैं, जब मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई तो 10 बसें लेकर हम आए थे, एक ही ब्लॉक से, एक ब्लॉक से आए थे ना, देखा 90 बस्ती पूरे जिले से, तो इनके पास में सिस्टम था, वो भीड़ ऐसे नहीं आई क्योंकि यहाँ के लोग तो जा ही नहीं पाए थे वहां पे भी, वो जो भीड़ आई आप लोग तो यहां से क्योंकि व्यवस्था करके यहां से 8-9 बजे निकले तो यहाँ पूरा जाम लग गया, लालू खड़ी यहाँ, तो जिले के लोग तो जा ही नहीं पाए थे, अगर 90 बसें अलीगढ़ के थी तो वह भीड़ बाहर से थी, वो इसलिए थी कि वहां पर व्यवस्थाएं थी,
आज भी बस लेकर आए तो ये व्यवस्थाएं हैं। तो गांव का धन गांव में, धन कहां से आएगा? हम वैसे खर्चे बहुत कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा झंडू में इसी में ये जैसे जगह ली है, दूसरी और एक जगह की और 9 बीघे जगह की बातचीत चल रही है। एक साल में कम से कम 5 ट्रेनिंग सेंटर हम खोल देंगे 2024 में, जगह ली है 5। उम्मीद है कि इसी साल में और 9 बीघे जमीन एक और बात चला गई, 9 बीघे जमीन आ जाएगी मुजफ्फरनगर में, ट्रस्ट के नाम आएगी, सेंटर लगेंगे। जो आपस में लोग लड़ रहे कैसे ट्रेनिंग उसकी दी जाए वो जरूरी है। धन तो आएगा भाई, जैसे आरएसएस वाले कर रहे वो हर साल गुरु दक्षिणा मनाते हैं, लिफाफे में पैसे दे, आप भी गाँव गाँव वही किसान दक्षिणा मनाने शुरू कर दो, जिसकी आस्था दे दो। जन्मदिन तो सारे मना रहे, जिसका जैक हुआ जन्मदिन जो केक काटेगा, जिसका जैक हुआ जन्मदिन एक ही झंडे भाई, कोई गलत तो इसमें है नहीं। सब आदमी चाहे मेरा बापू भी 100 साल का जा तो 100 झंडे तो दान दे दे भाई, तेरा बापू 127 साल जीवेगा तो 127 झंडे दे दे, उसमें भी खर्चे को और कुछ नहीं चाहिए। गांव का धन गांव में, अपने वैसे खर्चे कम करो। संगठन आने वाले टाइम पे ये संगठन ही जान बचाएगा, और भी कोई बचा सकता। ट्रैक्टर आपका 10 साल पुराना ट्रैक्टर चल ही नहीं सकता, कागजों में कैंसिल कर दिए हुए, आप उसका इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, जोर जबरदस्ती तो चला रहे उसको। ये कहा कि उसको एनजीटी से बाहर निकाल, तो कौन आदमी एक ट्रैक्टर बदल देगा भाई 10 साल में? ये पॉलिसी है इनकी, ये बड़ी कंपनियों को फायदा कैसा होगा, किसान जमीन बेच के कैसे जाएगा। दूसरा एक बड़ा आंदोलन और चलाना पड़ेगा, जमीन लेना कोई सड़क के पास पास कृषि में बैनामा करवाता है और फिर उसकी बराबर में दीवार खड़ी करते हैं। हमने अधिकारी को कहा भाई दीवार नहीं खड़ी होगी, ये दीवार तोड़नी पड़ेगी, ये तो कानून बना दो, अगर दीवार बनानी है तो 3 फुट जगह छोड़नी पड़ेगी। ये गांव में भी हो रहा, रास्ते सब खत्म हो गए, रास्ते जहां को बस चलती थी ट्रैक्टर टोल निकलती थी तो वे सब खत्म हो गए धीरे धीरे, और खेत बहुत स्पीड से खत्म हो रहे। व्यापारी पूरा पैसा जमीन में लगा रहा, क्योंकि जो एक कलोज था, जो एक धारा थी उसमें से वो हटा दी, उसके हटाते ही पूरा व्यापारी जमीन में पैसा लगा रहा, सड़क की जमीन खरीदेगा, दोनों तरफ जमीन ले लगा, दीवार खड़ी करेगा, 8 फुट की चक रोड में ट्रैक्टर टोली जानी, पीछे की सस्ती खरीदेगा। तो यह जमीन बचाने का बड़ा आंदोलन होगा। गुजरात में क्या हुआ? गुजरात में कोई खबर आती है? गुजरात की कोई खबर नहीं आती। गुजरात सबसे ज्यादा बंधन में स्टेट है, वहां किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। जो लोग भी यहाँ पे बॉर्डर पर आए तो उनको सजाए हुई वहां पे। गांव प्रधान की जिम्मेदारी थी, कोई आदमी अगर बॉर्डर पर जा रहा दिखे तो उसको सजा हुई, उनको जेले हुई वहां पे, कोई आदमी आया नहीं। गुजरात पूरा बंधनों में है, पूरा कैप्चर है गुजरात का। वहां पे मीटिंग हो रही थी अधिकारियों की, अटल जल योजना उस पे सुझाव मांगे जा रहे थे, कुछ किसान थे उन्होंने अपने सुझाव दिए। बनासकांठा एक जिला है वहां, उसके साथ में जो वहां के बीजेपी के लोग थे मारपीट करी, उन्होंने वहां से ही मीटिंग से ही यात्रा शुरू कर दी पिटने के बाद, और गांधीनगर तक, ये 7 तारीख की घटना है, 10 दिन उनको गांधीनगर तक लगे। जब हमने वहां कहा कि 18 तारीख में वहां पाएंगे तो वहां की सरकार ने उनको बुलाकर बातचीत करी, उस आंदोलन को खत्म करा। गुजरात में नहीं चाहते कि कोई लोग वहां गुजरात में चला जाए, वहां के वहां की अंदर की खबर किसी को पता ही नहीं क्या है गुजरात में क्या हो रहा है, उसका कोई डाटा आपको नहीं मिलने का, क्योंकि बोलने की आजादी है ही नहीं, यही पूरे देश में होगा।
जैसे नूह की घटना लगा हुआ, क्योंकि ये झगड़े करवाते हैं 13 से 23, क्योंकि शांत सा होगा था मामला, तो फिर कहने लगे जी आओ जी वहां पे, यहां से तो कोई आना नहीं, यहां तो तजर्बा ले लिया, ज्ञान प्राप्त हो गया, यहां तो लड़ेगा ही नहीं कोई भी। दो तरह के हिंदू हैं अब देश में, एक है नौरंगी और एक है भगवाधारी, जिसमें हम आवे जो भारतीय हैं, एक है नौरंगी, वे नौरंगपुरी से हैं, वहां से उनसे बचना है और कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने नकली मुसलमान बनाए, उनको ट्रेनिंग दी, नकली सिख बनाए, नकली हिंदू बनाए, उन्हीं को बालकों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, मारपीट करवाते हैं। लेकिन वहां सरदारी एक मीटिंग हो रही, बड़ी पंचायत वहां पर हो रही, और उसमें सभी जातियों के लोग उसमें आ रहे, बड़ी पंचायत होगी, लाखों आदमी उस पंचायत में इकट्ठा हुआ, कोई झगड़ा नहीं। तो अपना शांति से अपना काम करो, संगठन को अपना काम करो, ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के भी चक्कर में नहीं रहना, अपना संगठन का हमारा काम है। क्योंकि बहुत जगह जहां जहां की सरकार की पार्टियां हैं, किसान की समस्या वहां पर भी है, हमारे आंदोलन वहां पर भी चलते रहते हैं। किसकी सरकार बनेगी, क्या बनेगी, क्योंकि जब ये लाठी नहीं खा रही, जिनको इलेक्शन लड़ना, इनके पर्चे कैंसिल हो रहे हैं, ये पर्चे लेकर जाते हैं सिंपल, अपनी पार्टी मुख्यालय सर जाएंगे, बीजेपी के मुख्यालय पर जमा कर कर बीजेपी की सदस्यता ले रहे, तो भाई इनका कौन क्या कर सके। तो अपने आंदोलन को मजबूत रखो धरातल पे, आपके साथ में सब लोग जुड़ेंगे, सारी पार्टी के विचारधारा के लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कमेटियां बनाओ, गांव में जाओ, 10-10 रुपए के मेंबर बनाओ, जैसे गुरुद्वारों में गल्ला इकट्ठा करते हैं, अगर गल्ला भी इकट्ठा होगा तो वो भी गांव में रखा जाएगा, तो गांव में धन की कमी होगी ही नहीं, और गांव का मजबूत होगा तो वो संगठन चलता रहेगा, गांव की कमेटी ठीक बनती रहे तो ये संगठन चलेगा। यूथ को इसमें जोड़ना पड़ेगा, 40 साल से जाते में यूथ नहीं रहेगा, और आने वाले टाइम पे ये है कि भाई 60 साल से ऊपर जो जिला अध्यक्ष हो गए वे भी हटेंगे, वे दूसरे आप ऊपर जाएंगे दूसरी जगह, क्योंकि बहुत जगह जो संगठनों में काम कर रहे हैं अलग अलग प्रदेश में, तो वहां पे पूरा उनसे सुझाव लेते हैं, उसको फिर लागू करते हैं। यहाँ की भी एक कमेटी बना दी पूरी, मुझे फलगर में भी कमेटी बना दी, 5 लोग देखेंगे कमेटी, उन्हीं के उसमें किसी को हटना लगना क्या करना, वही 5 लोग डिसाइड करेंगे सारे। ऐसे ही शामली में भी कमेटी बनाएंगे, शामली में भी आपस में विवाद चल रहे तो उसकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, वे लोग उसको देख लेंगे कि क्या सुझाव लोग क्या है, क्योंकि 5 अलग अलग कमेटी बनाई थी वहां की, हमने देखे नहीं, हम भी देख लेंगे, उन लोगों को भी उठा देंगे, बैठ कर फिर जो भी शामली में भी करना होगा, जहां पर विवादित होगा उसको निपटाने का काम करेंगे। संगठन जरूरी है, संगठन बनाओ, बगैर संगठन के जिंदा नहीं रह सकते। पूरे व्यापारी दिल्ली की नजरें आपकी जमीन पे है, जमीन लगा के गाजियाबाद से और रुड़की तक की मछली जमीन है ही नहीं है, यहाँ पे उनको अपने फार्म हाउस बनाने हैं, 2-2, 3-3, 5-5 एकड़ के जमीन के जो रोड टापू हो गए वे रेट आपको दे देंगे, बढ़िया सड़कें निकल रही, 1-1.5-2 घंटे के रास्ते दिल्ली से हो गए, बढ़िया यहाँ का मीठा पानी है, बढ़िया जमीन है, तो उनको फार्म हाउस के लिए चाहिए। जब फार्म हाउस बन जाता है उसकी दीवार होती है 12 फुट की, ऊपर हो कटीले तार और बिजली वाले, उसके अंदर कोई नहीं जा सकता। हमने दिल्ली में देखे छावला और ये जितने भी गांव हैं जिन्होंने अपनी जमीन बेची, आज उनकी औरतें वहां पे घास काटने जाती है तो दरवाजा पीटना पड़े अपनी एक भैंस के लिए, अपनी ही जमीन में घास काटने के लिए। तो जमीन को बचा कर रखना, फसल बेच के आप अपना गुजारा करो, जमीन बेच के गुजारा नहीं करना। जमीन की क्या कीमत है, जो आदमी 30 साल जमीन रोक लगा वो मार खाएगा ही नहीं। अपने बालकों को काम धंधे पे लगाओ, पढ़ाई पे लगाओ,
तो ये मीटिंग ठीक रही। आज की इतनी मीटिंग होती रहे हर महीने। आज अलाउलपुर माजरे का लंगर चला यहाँ पे, बढ़िया व्यवस्था उन्होंने करी। जिन लोगों ने लंगर चलाए उनके नाम लिख ले करो, कौन सी तारीख में लिखा उसको रजिस्टर में लिखा करो। आने वाले 20-50 साल बाद में जब रजिस्टर देखे जाएंगे, किताब लिखी जाएगी, तो पता रहेगा कि उस महीने में उस गांव के लंगर चले थे। जैसा आज तलाश कर रहे हैं कि इस जो भाव भरा गया इसमें किन किन गांव के ट्रैक्टर आए थे, कौन कौन मिट्टी डालने आए थे, तो उनके नाम लिखे जाएंगे ना यहाँ उस पर कार्य लगे। और वे तो है नहीं, बापा मिलेंगे, तीसरी पीढ़ी मिलेगी। कौन कौन ट्रैक्टर आए थे, एक ये 72 दिन में भराव करा, इसका 300-300 ट्रैक्टर आए यहाँ पे। एक रुपया का क्योंकि 27 फुट गहरा था, तो ये सब चीजें लिखी जा रही है। और भी यहाँ पे बिल्डिंग बनाने का वो है, उसमें ऊपर भी बनाएंगे कमरे कि आदमी आकर रुक जाए, रात को यही रुके, रात को बात करे, कल्चर प्रोग्राम रात को चले। तो अगले महीने से ये प्रोग्राम रहेगी कि रात को यहाँ पे 16 तारीख की रात को और 17 तारीख की रात को 2 दिन यहाँ पे वो सीरीज लगा के वो प्रोग्राम चलते रहे। 2 दिन का पूरा एक फंक्शन सा ये हो जाए, तो 1-2 महीने में पूरा क्लियर हो जाएगा। अगले महीने में तो वहाँ पे मीटिंग है तो नहीं होगा, लेकिन जाके अक्टूबर में ये प्रोग्राम हो जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद, जय भारत। 23 तारीख में वो बुढ़ाना ट्रैक्टर मार्च रहेगा और 24 तारीख में रुड़की में रहेगा, 25 तारीख में हम एटा मैनपुरी रहेंगे, 26 तारीख में नोएडा का एक प्रोग्राम है, उनका भी बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। तो ये कार्यालय भी खड़े कर रहे हैं अपने, 9-10 बीघे जमीन आ जाएगी, उसकी बातचीत चल रही है। क्योंकि जमीन तो ऐसा है कि जमीन तो अगर पड़ोसी को पता चल जाए तो जमीन नहीं आती है, वह कहाँ है कैसे है, जब बेनामा हो जाएगा जब ही पता चलेगा उसका, हार रात लग जाए जमीन में। तो 9-10 बीघे में एक ठीक कार्यालय बन जाएगा, 10 कमरे 2 हॉल और बड़ा घास भूसा लगा लेंगे, नजदीक ही रहेगी। अभी जब बेनाम हो जाएगा जब बताऊंगा, चल रही बात उसकी। फिर बिजनौर में भी चल रही बात, बिजनौर में तो पहाड़ के नजदीक ही है बिल्कुल, जब लोग जागेंगे तो पहाड़ दिखेगा, उनका जंगल दिखेगा, उसके नजदीक है, वहां भी बातचीत चल रही है। तो लोग इकट्ठा करके वो कहते हैं दे दो ये जमीन दे दो बस, तो सब लोग लग रहे हैं अपने जिलों में। फिर ट्रेनिंग चलेगी, जोन से में जाते हैं, जैसे शामली के लोग ज्यादा लड़ रहे, जोन से ज्यादा लड़ेंगे, उनको 8 दिन वहां भेज दो, जब भी वहां सेवा कर पाए। जैसे गुरुद्वार हुए, अगर बापा वे थे ना तो भंडारा चलाते थे, अगर उनके कोई चारपाई पे बैठ जाता था तो कह लगा अच्छा चल वहां सब्जी काटने में लगा दी 8 दिन की ड्यूटी। तो धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद, जय भारत। तो ये सैड के पीछे तो कुबड़ जगह हो और कुर्सी ठीक आई गई, इनमें एसी से अपना ये ऐसे ही पैसे से आते हुए एसी लग जाएगी इनमें, तो फिर बुड्ढे कहीं तो ऐसे रहेंगे कि वे यहीं के परमानेंट हो जाएंगे। हमारे बीच में